ये गांव का नाम है पैगंबरपुर, थाना बनियापुर, जिला छपरा। और मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को कि कोई भी इंसान चोरी करके अपने लड़के को इंजीनियरिंग नहीं कराएगा। उनको भी मुस्लिम समझ करके मारा गया है, भले वो नर्स समुदाय से हो। अच्छा। अगर कुछ झगड़ा है तो केवल कि हम मुस्लिम हैं, हमें मुस्लिम समझ करके मारा गया है। मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए। बिहार मिल की टीम इस समय छपरा जिले में है। छपरा जिले में ये वो गांव है जहां से आपको अभी पैगंबरपुर, जहां से आपने मॉब लिंचिंग की घटना का जिक्र सुना, और इस मामले में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का स्टेटमेंट बहुत जल्दी में आ गया कि वहां जो चीज़ें भी हुई हैं वो मॉब लिंचिंग नहीं है। पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे हैं और इस तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हो गया। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मैं जौहर हुसैन। मेरे अब्बू का कत्ल हुआ है यहाँ पे, और इनको झूठे जुर्म, चोरी का जुर्म लगा के उनको कत्ल कर दिया गया है। बहुत बेरहमी से मारा लोगों ने। यहीं पास के गांव नंदलाल टोला है और पिठौरी, वहाँ पे मेरे अब्बू कहीं जा रहे थे पिकअप लेकर, और उन्होंने पिकअप अभी रास्ते में ही थे जबकि उन्होंने उनको घेर कर और लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा। 4:30 के करीब में ये घटना है, और अब उनका कॉल भी आया हुआ था कि यहाँ पे लोग हमें मार रहे हैं। जब तक यहाँ से, कल सुबह की बात है, यहाँ से जाते जाते उन्होंने। आप यहीं रहते हैं, क्या करते हैं? मैं हैदराबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, कौन सा ईयर है आपका? फाइनल ईयर है। मैं यूनिवर्सिटी JNTUH है। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है जी। मैं वहाँ से अभी कंप्लीट करके डिग्री लेने गया था, जब तक कि कॉल आया वहाँ से कि अब्बू के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। मैं हिंदुस्तान की आवाम से मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हो और सपोर्ट करें। क्या इसमें लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम बनाने, या इसमें किस तरीके से राजनीति इन्वॉल्व है? ये राजनीति, जाहिर सी बात है कि ये हिंदू और बजरंग दल वाले या जो भी हैं, ये हिंदू लोग ने किया है हमारे अब्बू को मुस्लिम जानकर, और ये एक साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि 4:30 के करीब में इनको घेरा गया है, 200-300 करीब आदमी थे और सभी ने बेरहमी से मारा है। यहाँ तक वीडियो तक आया हुआ है। आप? मैं सिराज अहमद। आप क्या हैं यहाँ के? हम पंचायत सदस्य हैं। पंचायत सदस्य हैं। क्या कुछ मामला था, क्या करते थे जो नौशाद हैं, उनका क्या था आमतौर पे, वो क्या काम करते थे? नहायत ही शरीफ आदमी थे। हाँ। और मेहनत मजदूरी अपना करते थे। एक पिकअप रखे हुए हैं, बलोरो पिकअप, भाड़ा भूरी कुछ मिलता था तो उसको लेकर के जाते थे, लाते थे। यही बात उस दिन का भी है। कुछ एक नट आए का तो एक भाड़ा है, वहाँ से लाना है नंदलाल टोला से। अच्छा, तो मतलब भाड़े का काम करते थे? जी, जो पिकअप थी उनकी गाड़ी, वो आसपास के इलाकों में जी भाड़े पर चला, भाड़े पर चला करती थी। और भैंस लाने के लिए जा रहे थे। अच्छा। लेकिन अभी मलधनी के दरवाजे पर भी नहीं पहुंचे थे, इधर ही करीब 100 गज या 150 गज की दूरी पर लोगों ने लगभग 25-50 के संख्या में पहले से मौजूद थे। धरो पकड़ो मारो, यही है, चोर है, चोर है। उस पर 2 नट थे और 1 नौशाद आलम थे। मगर इस पे जो शासन प्रशासन का स्टेटमेंट आप लोग भी देख सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया इस समय सभी लोग चला रहे हैं जी, कि ये मवेशी चोरी का मामला था और मवेशी चोर थे। गलत बात है, हमारी गाड़ी पे कुछ नहीं था। अभी हम जा रहे थे, जिस आदमी ने बुलाया था उसका नंबर भी है, शायद हम सुन रहे हैं कि पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया है। अच्छा। उसके दरवाजे पर पहुंचे भी नहीं थे, बीच रास्ते में ऐसा घटना हो जा रहा है। से आप जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ भी, जैसा कि आप लोग बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में, कि वहाँ भी जनप्रतिनिधि भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं? हाँ, शामिल हैं। अच्छा। जनप्रतिनिधि वो सरपंच हैं। अच्छा। राजकुमार राम। अच्छा। और जनप्रतिनिधि मुखिया हैं नंद किशोर, वर्तमान मुखिया हैं। अच्छा। नंद किशोर चौरसिया या पनहेरी बोलते हैं हम लोग। अच्छा। वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। अच्छा। और ऐसा घिनौना हरकत किया है, मर जाने के बावजूद भी लाठी डंडा से लोग मार रहे हैं और गर्दन को चाकू लगा करके काट दिया गया है, जैसे एक बकरा को जबह किया जाता है। तीनों आदमी को बिल्कुल ऐसा ही, एक ही तरह का मर्डर हुआ है। हाथ पीछे में है बांध कर करके,
मारा गया है बहुत बेरहमी के साथ। जाति दुश्मनी या आपके गांव उनके गांव में किसी तरीके का कोई किसी प्रकार की कोई खटपट कोई झगड़ा तगड़ा नहीं है। अगर कुछ झगड़ा है तो केवल कि हम मुस्लिम हैं, हमें मुस्लिम समझ करके मारा गया है। ये भाव मौजूद है जी यहाँ के पूरे इलाके में? जी जी जी, यहाँ के इलाके में क्या पूरे हिंदुस्तान में आज यही मजरेती है। मगर इस मामले में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट बहुत तुरंत फुरत में आया है ना? अब आया होगा, कल तक हम नहीं स्टेटमेंट सुने। लिंचिंग नहीं है, ये मवेशी चोरी का? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ना है, ऐसी बात ना है, ये मॉब लिंचिंग है, मवेशी चोरी का मैटर ना है। क्योंकि 5 बजे कोई चोर चोरी करने के लिए नहीं जाएगा, और हमारी गाड़ी पे हमारे साथ में कुछ रहेगा तब न आप कुछ कह सकते हैं। हम खलिए रास्ता से अगर जा रहे हैं, हमको पकड़ करके लोग मारने लगे, अब क्या तुम मवेशी चोर है, ये चोर है, कह देने से नहीं हुआ। वो अपनी बचाव कर रहे हैं, वो लोग अपनी बचाव कर रहे हैं, क्योंकि 3 मर्डर हुआ है वहाँ पर। तो जो दो और नट समुदाय के लोग हैं जी, वो तो वो कहे कि भाई दो तो हिंदू भी मारे गए हैं, उनको भी मुस्लिम समझ करके मारा गया है, भले वो नट समुदाय से हो। अच्छा, पूरा का पूरा मामला मॉब लिंचिंग का है, और जो दो लोग नट थे मेरे अंकल के साथ में, उनका जो लाइफ स्टाइल प्रोसेस है वो भी 50% मुस्लिम है, 50% हिंदू, वो लोग ऐसे उनका लाइफ स्टाइल है जीने का। अच्छा, उनको दफनाया भी गया है? दफनाया गया, वो दफनाया जाता है, और जो भी त्यौहार होता है हिंदू का भी करते हैं और मुस्लिम का भी करते हैं, वो लोग सब त्यौहार मनाते हैं। तो ये वो लोग क्या करते थे, उनका क्या कारोबार? उनका यही कारोबार है, मतलब बकरे वगैरह खरीदना, उनको बेचना, मुर्गी का काम करना, यही सब काम है ना। और जो मेरे अंकल थे, ठीक है, और मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को कि कोई भी इंसान चोरी करके अपने लड़के को इंजीनियरिंग नहीं कराएगा। अगर वो इंसान इंसान है तो ही मेहनत मजदूरी करके और उसको अपने लड़के को इंजीनियरिंग कराएगा। चोर हमेशा अपने बच्चों को चोरी ही सिखाता है। कुल कितने बच्चे हैं उनके? उनका 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का ये है जवाहर हसनैन, और एक लड़की है, उनकी शादी हो गई है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, और कोई भी पुलिस प्रशासन हम लोग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, और पूरा सपोर्ट, कल मैंने एसपी का स्टेटमेंट सुना, छपरा एसपी का, वो बोल रहे थे कि उनके गाड़ी में मवेशी बरामद हुई, गाड़ी के अगल बगल मवेशी बरामद हुई, लेकिन ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आदमी कोई भी जा रहा है और जाते समय किसी को पकड़ के चोर चोर बोल के मार देने से ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई कानून है? यहाँ पे इंसाफ नाम की, कानून नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई भी संतुष्टि भरा ऐसा कोई कि ना किसी से स्टेटमेंट मिला है, ना कोई प्रक्रिया हम लोग को अभी नजर नहीं आया कि हाँ हमारे जो इंसाफ हो रहा है हमारे साथ, ऐसा कुछ भी अभी तक हम लोग को नहीं लगा है। इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, उच्च स्तर पे जांच हो, और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है, उन पे कार्रवाई नहीं की गई है, और कार्रवाई ऐसे की जाए और ऐसी सजा दी जाए कि आज के बाद फिर ऐसे हमारे देश में कोई सब कोई मॉब लिंचिंग ना हो। हर दिन आए दिन पे भी मॉब लिंचिंग हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई ना इस पे कोई कानून बन रहा है, हर तरफ वही हाल में। और मोदी सरकार को चाहिए कि इस पे कानून बनाए, और हमारे अब्बू का मर्डर हुआ उस पे भी इंसाफ करे वो। ये जो मॉब लिंचिंग का मामला है ये बहुत बुरे दौर में जा रहा है, और इसका अंजाम पूरे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार और नीतीश सरकार, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला। जिस दिन हम पे भरोसा हम लोग को उठ गया ना प्रशासन से, फिर अंजाम कुछ और होगा। हाँ, आपने देखा ही ग्रामीण और उनके परिजन खासतौर से कितने दुख में भी हैं, सदमे में भी हैं और गुस्से में भी हैं। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, ऐसा कब तक चलेगा? कल ओके कोई नेता का लड़का को मॉब लिंचिंग किया जाएगा तो क्या चुप बैठेंगे हम लोग? मतलब गरीब है, कम मतलब सोर्स वाले, तो हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। जो एक चीज खास तौर से देखने वाली है कि चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट इस पूरे मामले में बहुत जल्दी में आया है। अगर उन्होंने कहा है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है और मवेशी चोरी का मामला है, अगर मवेशी चोरी का भी मामला था तो लोगों को पकड़ करके थाने में या पुलिस प्रशासन के पास उन चोरों को दे देना चाहिए था, वो इंसाफ करती, वो न्याय करती। ये भीड़ तंत्र ही है, और भीड़ तंत्र को ही तो अंग्रेजी में मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग कैसा चाहिए,
अब इसे भी बड़ा मॉब लिंचिंग चाहिएगा सीएम साहब। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी, एक सर जो सबसे ऊंचा जनप्रतिनिधि चुना गया है इस प्रदेश का, उसको क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ से? मैं यही कहना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से कि इस मॉब लिंचिंग पर कोई कठोर कदम उठाया जाए, कोई कानून बनाया जाए, बिल पारित किया जाए और उसका सजा फांसी होनी चाहिए, ताकि आइंदे आने वाले समय में फिर कोई ऐसी हरकत न हो, कोई न कर सके, किसी गरीब का बेटा न मरे। मेरे चाचा के नाम है राजू नट, मेरा भाई के नाम है विदेश नट, मैंने नौसाद आलम मेरा नाम है, ड्राइवर गाड़ी वाला का। अच्छा जी, तो आप उनके कौन हैं? हम विदेश के भाई हैं। अच्छा। राजू मेरा चाचा हैं। अच्छा। हाँ, मैंने विदेश को शादी तय कर दिए थे कस्बा मकेड़ में, कब शहर गांव बोलता है मकेड़ क्षेत्र में, मेरे इंदर आय की एजेंसी में गाड़ी कसा गया था, मेरा भाई को 9 महीना 25 तारीख को शादी था, मेरा चाचा बुला के ले गए कि चलिए भाई बुआ बने हमने भैंस कीने लियाने के लिए, तो यहाँ से निकला उस 4:30 बजे, वहाँ 5 बजे निकल गया, 5 बजे माने साफ हो गया, पहुँच गया, तो माने घर का बगले घर आपके गांव से वो जगह जहाँ पर ये सारी चीजें हुई हैं वो कितनी दूर है? माने 1 किलोमीटर, माने लगभग 2 कोस पड़ेगा, नरहर रामपुर बोलता है, मोतीलाल को भैंस खरीदे थे, मोतीलाल पुंग के बुलाए थे कि आइए राजू नट भैंस ले जाइए, तो फोन करके बुलाया था, 3 बजे फोन किया था, तो नौशाद आलम राजू विदेश नट, यहाँ से घर से निकला 4:30 बजे, वहाँ पहुँचने की मोतीलाल का घर के बगले में ही लोग माने गाड़ी पे मौजूद थे, पलानी पहले ही से बैठा रहे थे लोग कि आ रहा है गाड़ी लेके, तो चूर चूर करके माने इसको मंगा दिया जाएगा। अच्छा। माने हमने लोग को देखा जाए कि हम लोग माने महादलिदर का आदमी कमाता खाता है, आज ले हमने को रेकर देखा जाए, हमने को चोरी नहीं करते हैं, हमने लोग खर भी नहीं उठाते हैं। मैं सरपंच का हाथ है, सरपंच बोले थे कि माने सरपंच बोले थे प्रशासन के फोन करके कि आइए हम 3 को चोर कर रखे हैं, तो चोरी चोर कर रखे थे चाहे नहीं रखे थे तो उसको माने तरह जिंदा करके रखते न, तो प्रशासन पहुँचने के बाद में भी 3 आदमी की हत्या कर दिया, सरपंच मुखिया मिल के मरवाया है गाँव से, माने घर पहुँचने के बाद में भी पल ही गाड़ी को छाप लिया, बरामद एगो बकरी भी नहीं हुआ, भैंस भी लोड नहीं हुआ, इसमें गाड़ी खालिए में पहले उसको बर्छी मार दिया गया, बर्छी मार देने के बाद में उसमें से लाश खींचा गया, लाश खींचने के बाद में मेरा भाई डर के मारे भाग रहा था, तो नदी से खींच के उसको माने खींच के लिया के राजू नट को पैर में। 2 की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, 1 इलाज कराने के दौरान ऐसा कहा गया कि नहीं, 2 स्पॉट पे खत्म है, कोई इलाज नहीं कराना है, कोई आप लोग मार कर मुआ कर गोर हाथ छान कर चारों पैर छान कर इसली फार अथी छान कर आ मुआ कर हत्या कर के आप बाहरे से बाहरे हमरे जानकारी नहीं है लेके छपरा भाग गया है। नहीं 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 वो जान कर हमनी के बिस्कोसा लोग चिंता है जे वकील नट के लड़का ही सब लो है बारे गो लड़का है इसे 2 गो शादी है 12 गो लड़का है 10 गो लड़की है 20 कोसा लोग जानता है जो वकील नट के लड़का है नाती पोता है आ तब चीन कर मुआया है। हाँ, जो अपने दर्शकों के लिए बता दें कि नट जो ना समझते हो, नट पारंपरिक तौर पर जो है वो बकरा या खस्सी बकरी जानवरों के खरीद बेच का काम करते हैं और ये इनका पुश्तैनी धंधा है, और जो बाप दादा का पुश्तैनी धंधा है और इसका जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है वो महादलित में आते हैं। हमने लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोग को जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, उन लोग को फांसी की सजा होना चाहिए, हमने लोग को महादलित में आते हैं, हमने लोग को मौजा मिलना चाहिए, हमने लोग को दुनिया में कुछ आधार नहीं है, मेरे भाई की शादी तय कर दिए थे 18 साल के मेरा भाई था। ये नीतीश कुमार सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमने लोग को मौजा बांधे, उस लोग को फांसी के सजाए पर लटकाए, हमने लोग ये इंसाफ चाहते हैं, चाहते कि मोतीलाल बोलावले तो हमारे पति हमारे गए लोग हमारे लड़का 5:30 में गए 5 बजे चौंक पड़ल जाते में लोग मुँह दिलक 35,000 रुपये दिया अगर मवेशी के आ जाते में लोग मुँह दिलक लोग मार के मुँह के गाड़ी के शीशा फोड़ दिल बा लोग आगे से आ फोड़ के भीतर पहले गाड़ी मार के निकाल के रात से यहाँ से जब पूरा मार दिल बा लोग तो हाथ बांध के तब वो लोग मर ले बा लोग बर्छी से मार के मोले बलो हे पर गथले बलो
हाँ, जब हम यहाँ आए इस गांव में तो हमें भी कुछ व्हाट्सएप पर वीडियोस जो यहाँ सर्कुलेट हो रहे हैं वो देखने को मिले, तो वो सारे जो डेड बॉडीज हैं वो पड़ी हुई हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, ऊपर से जब लाठी डंडे से उन पर मारा पीटा जा रहा है उनको, तो उसकी से काट दिया है, भाला से घोंप दिया है, लाठी से है जगह घोंप दिया है, जगह घोंप दिया है, ठीक है, लाठी डंडे से मार रहे हैं, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे कर रही है बॉडी, तो इसका मतलब कि बॉडी जो है वो डेथ हो चुकी है उसकी। जी चारों पॉइंट छान कर नट्टी और बांध कर मुंह बांध कर मुआया गया है, थाना उठा कर ले जाया हॉस्पिटल बिक दिया, हम नहीं जाना थाना, हमसे नहीं जनाया प्रभारी, हमसे नहीं जनाया कुछ नहीं जनाया हमसे। सरपंच मुखिया के हाथ है, सरपंच प्रशासन को फोन करके सूचना दिया कि तीन माने आदमी को पकड़ कर रखे हैं, तो तीन आदमी के जीना तक रखते हैं, उसको इंसाफ चाहे जो भी होता तो गोर हाथ तोड़ देते हैं, उसको थाना में भर्ती कर देते हैं। मुखिया सरपंच के मेन हाथ है नीतीश कुमार, देखिए मेरा भाई ये विकलांग है, ये मेरा तीन भाई थे, भाई एगो के शादी कर दिए, मेरा भाई विकलांग है, दुनिया में कुछ आधार नहीं है, मेरा देखिए ये पलानी है, तीन को बहन के शादी करना है, भाई को शादी करने के लिए टाइ तमान कर दिए थे, नीतीश कुमार क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, अभी भी कोई इसको जांच पड़ताल नहीं हुआ, कोई इसको फांसी की सजा दिलाना चाहिए, हमने को इंसाफ मिलना चाहिए, हमने लोग को महादलिदर को जो मौजूद है मौजूद मिलना चाहिए, हमने लोग को रास्ता खाने खमाने के मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार सरकार से ये बोलेंगे महादलिदर के मेरा भाई है, इसको भी कुछ रास्ता लगाइए, हमने लोग का भाई मर रहा है कुछ भी मौजूद, ठीक है, तो ये वो महादलित परिवार है, नट परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, इनके घर में दो दो लाशें आई है इस बीच, और इन अपने भाई का भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वो दिव्यांग है और इनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो वो चाहते हैं, और इसमें ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ के मुखिया जो जनप्रतिनिधि हैं, तो इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि है मुखिया है उससे ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में उनको इंसाफ मिले। हालांकि इस मामले में नीतीश कुमार का स्टेटमेंट, त्वरित स्टेटमेंट जो आया है कि ये मवेशी चोरी का मामला है, अब वो उनके पास कैसे ब्रीफ पहुंची है, यहाँ ग्राउंड पर तो कुछ और ही चीजें दिखाई दे रही है। तो द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण ऋतिक के साथ।